चलिए तो हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड और रेजिस्टिविटी यानी R इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में दो नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि इस तरह से पूछा जाता है कि मान लो कि 10 ओम, ओम ये साइन होता है ना, प्रतिरोध के मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हम लोग पहले से ओम सुनाव में पढ़ चुके हैं, और ओम का ये सिंबल होता है ना, तो ये ओम का सिंबल है, ये ओम का सिंबल है और ये 10 है, तो 10 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि 10 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पे बात किसकी हो रही, प्रतिरोध की बात हो रही है ना। अगर हम प्रतिरोधकता की बात करते तो लंबाई को खींचेंगे तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा है ना, लेकिन प्रतिरोध की बात हो रही तो लंबाई को खींचने से या लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध में चेंजेस आ जाता है, प्रतिरोध बदल जाएगा। तो कितना बदलेगा, कितना चेंजेस आएगा, इस चीज को हम देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन के 10 ओम प्रतिरोध वाला तार है। तो सबसे पहले हम एक तार लेते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो देखते हैं किस तरह से बनेगा और आप स्टेप बाय स्टेप सही से ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं और ये कंडक्टर की लंबाई को हम L मान लेते हैं और एरिया को कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं ना। तो कंडक्टर की लंबाई L, एरिया A और रेजिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में 10 ओम दिया हुआ है ना। ये पहला केस है यानी फर्स्ट केस, जब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ना ही इसको खींचे, ना ही टच किए, कुछ नहीं किए, तब ये केस था। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, और सपोज इस वायर का या फिर इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी हम कितना मान लेते हैं, रो मान लेते हैं ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। आर का मान कितना दिया हुआ है, 10 ओम, तो 10 रखेंगे यहाँ पे, बराबर हमने कितना माना तार की रेजिस्टिविटी, रो, रो रहने देंगे। इस तार की लंबाई क्या माने हम, रियल लेंथ जो था वो एल था, इनिशियल लेंथ समझ सकते हैं इसको, और तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना माने हम, ए माने। तो रो इन टू एल बाई ए, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जाए, कितना कर दी जाए, लंबाई दुगनी कर दी जाए है ना। अब इसी वायर का दूसरा केस देखते हैं, तो उसका कुछ फिगर इस तरह से बनेगा कि लंबाई को हम दुगना कर दिए है ना, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए देखने में। अब पहले लंबाई एल था, अब कितना हो गया, टू एल हो गया, लंबाई 2L हो गई। अब जैसा कि आपको पहले से बता चुके, अभी पहले बताए हम कि अगर हम लंबाई को बदलेंगे, किसी तार की लंबाई को जब दुगना करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, घटेगा, यानी एरिया घटेगा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा है ना। जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना एरिया घटेगा। अगर हम लंबाई को 3 गुना कर देते तो एरिया 1/3 पार्ट में घट जाता, अगर लंबाई को हम 4 गुना कर देते तो एरिया 1/4 भाग में घट जाता, 1/4 हो जाता है ना। तो दुगना किए तो एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, यानी a बाई 2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत, तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, R इज इक्वल टू व्हाट, बट रेजिस्टिविटी, तार तो वही है, मटेरियल वही है, सब कुछ सेम है ना, तो जो रेजिस्टिविटी पहले था वही रेजिस्टिविटी अब भी रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी कब बदलेगा, जब मटेरियल बदल जाएगा, और जबकि हम तार को खींचे हैं तो खींचने से तो मटेरियल चेंज होता नहीं है, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम यही रहेगा है ना। तो अब नया इक्वेशन जो बनने वाला है,
इसको हम आर डैश मान लेते हैं, है ना। यानी रेजिस्टेंस का जो नया वैल्यू निकलने वाला है ये आर डैश मान लेते हैं ताकि आर आर में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो आर डैश फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रू इन टू एल बाई ए, रेजिस्टेंस का रू इन टू एल बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब आर डैश का वैल्यू फाइंड करना है, आर डैश रहने देंगे बराबर रो, देख रहे रेजिस्टिविटी यहां पर भी रो है तो यहां पर भी कितना है रो है, रो रहने दिए। लंबाई की बात करें तो लंबाई यहां पे था एल और यहां पे कितना हो गया टू एल हो गया, टू एल कर दिए। अब एरिया की बात करें तो यहां पे एरिया ए था और यहां पे एरिया कितना हो गया ए बाई टू हो गया, है ना, यानी आधा हो गया, तो ए अपॉन टू। अब देखिए तो कैलकुलेशन करते हैं तो टू कहां है, ये नीचे है, सबसे नीचे, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना, ये टू ऊपर आ जाएगा। तो आर डैश इज इक्वल टू रो इन टू, टू से टू मल्टीपल होगा तो फोर एल आर अपॉन ए, ये इक्वेशन इसको हम सेकंड बना लेते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, आर डैश का हमको वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, है ना, यानी समीकरण सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर। तो सेकंड क्या है आर डैश बराबर के एक साइड वाले को एक साइड से करते हैं तो सबसे पहले है बराबर की इस तरफ आर डैश है तो आर डैश, इधर कितना है टेन, तो आर डैश अपॉन टेन इज इक्वल टू इधर क्या रो इंटू फोर एल बाई ए, रो इंटू फोर एल बाई ए बटा इधर देखे तो क्या है रोएल बाई ए, रोएल बाई ए कर दिए, ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे फोर बचा, है ना। तो आर डैश बाई टेन इज इक्वल टू फोर, तो आर डैश बराबर हो जाएगा टेन इंटू फोर, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, यानी फोर इंटू टेन इज इक्वल टू फोर्टी ओम। यानी कि जब हम तार को खींचकर दुगना करेंगे तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 40 ओम, यानी चार गुना बढ़ जाएगा। अगर हम लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा चार गुना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में इस तरह से याद रख सकते हो कि दुगनी लंबाई करेंगे तो चार गुना बढ़ जाएगा, यानी उसके स्क्वायर में। अगर हम तीन गुनी लंबाई कर देंगे तो कितना प्रतिरोध बढ़ जाएगा नौ गुना बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आप इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 12 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई आधी कर दी जाए तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो इस बार हम लंबाई को दुगनी नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं आधी कर रहे हैं, है ना। तो लंबाई को जब हम आधी करेंगे तो क्या क्या चीज चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा, किसका मान बढ़ेगा किसका मान घटेगा, तो आप पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, है ना। तो एक बार अपने से बना करके देखिए कि बनता है आपसे या नहीं। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर से वैसे लेंगे फर्स्ट केस, वायर था, है ना, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई है, लंबाई एल माने, एरिया ए माने, रेजिस्टिविटी रो और आर का मान कितना दिया हुआ है 12 ओम, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, ये आपका फॉर्मूला होता है, और आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, तो रो का मान रो ही है, एल का मान एल है, एरिया का मान ए है, और आर का मान कितना है 12, तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। 12 इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, ये इक्वेशन आपका है, 12 इंटू रो 12 इंटू एल, 12 इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए। चलिए अब सेकंड केस में हम देखते हैं, सेकंड केस, सेकंड केस में फिर से वही कंडक्टर, बट इस बार लंबाई को हम क्या किए आधा कर दिए, सपोज आधा कर दिए हैं, सॉरी आधा जब कर देंगे तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा, छोटा हो गया वायर, है ना। तो लंबाई पहले L था, अब क्या हो गया L अपॉन टू हो जाएगा आधा। क्या हम लंबाई को आधा करेंगे तो एरिया में कोई चेंजेस आएगा, तो लंबाई को आधा करना है, तो आधा करने का मतलब है जैसे ये वायर है, L लंबाई का वायर था और इसको हम आधा कर दिए, यानी कि 20 से काट दिए तो आधा हो गया, तो हम जैसे काटेंगे तो आधा हो जाएगा, तो इसका एरिया में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, सिर्फ लंबाई की, लंबाई का साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा, तो लंबाई सिर्फ छोटा होगा बट एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया, तो एरिया सेम वैसे रहेगा।
तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू वाट, तो आर बराबर आर डैश इसको मान लेते हैं, बराबर रो इन टू एल बाई ए, आर डैश इज इक्वल टू रो सेम, लंबाई आधा हो गया एल अपॉन टू और एरिया ए रह गया है ना, तो आर डैश इज इक्वल टू हो गया रो एल बाई टू ए, ये इक्वेशन सेकंड। चलिए अब क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर, सेकंड क्या आठ डैश है और फर्स्ट कितना है 12, बस डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा आंसर रोयल अपॉन टू ए, और यहां देखेंगे तो रोयल अपॉन ए है, रोयल से रोयल, ए से ए, तो आर डैश बाई 12, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 2, 12 को उधर लेके चले जाएंगे तो आर डैश इक्वल टू 12 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 6, तो आर डैश बराबर 6। तो अगर हम लंबाई को आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आधा हो जाता है ना, लेकिन लंबाई को दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आराम से लिखो,